भारतीय टीम आयरलैंड के खिलाफ 3 T20 मैचों की सीरीज खेलेगी। इस सीरीज में टीम इंडिया के कप्तान जसप्रीत बुमराह होंगे। इसके अलावा कोचिंग स्टाफ में भी बदलाव देखने को मिलेगा। दरअसल ऐसा माना जा रहा है कि टीम इंडिया के नियमित कोच राहुल द्रविड़ की जगह आयरलैंड दौरे पर VVS लक्ष्मण कोच के तौर पर होंगे। लेकिन बड़ी खबर सामने आ रही है, आयरलैंड दौरे पर भारतीय टीम के कोच सीतांशु कोटक होंगे। लेकिन VVS लक्ष्मण की जगह सीतांशु कोटक को आयरलैंड दौरे के लिए टीम इंडिया का कोच क्यों बनाया गया है? दरअसल बेंगलोर में स्थित नेशनल क्रिकेट एकेडमी में VVS लक्ष्मण इमर्जिंग कैंप का हिस्सा होंगे। इस दौरान वह युवा खिलाड़ियों की काबिलियत को पहचानने की कोशिश करेंगे। भारत आयरलैंड सीरीज का आयोजन 18 अगस्त से होना है। इस दौरे पर भारतीय टीम के नियमित कोच राहुल द्रविड़ और बाकी कोचिंग स्टाफ टीम के साथ नहीं होंगे। दरअसल राहुल द्रविड़ समेत बाकी कोचिंग स्टाफ के सदस्यों को आराम दिया गया है। हालांकि एशिया कप के लिए राहुल द्रविड़ बतौर कोच टीम इंडिया के साथ जुड़ेंगे। बता दें कि आयरलैंड दौरे पर सीतांशु कोटक टीम इंडिया के कोच की भूमिका निभाएंगे। दरअसल सीतांशु कोटक भारत ए टीम के हेड कोच है। इसके अलावा वह बेंगलोर स्थित नेशनल क्रिकेट एकेडमी में बैटिंग कोच है। सीतांशु कोटक के अलावा आयरलैंड दौरे पर साईराज भारतीय टीम के गेंदबाजी कोच होंगे। जल्द ही भारतीय टीम आयरलैंड दौरे के लिए रवाना होंगी।